क्या वाकई काम वासना अनैतिक है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस बात से शायद ही कोई इनकार कर सकता है कि आज के दौर में किशोरावस्था में कदम रखते ही बच्चे सेक्स या शारीरिक संबंधों के प्रति दिलचस्पी दिखाने लगते हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ इस क्षेत्र में उनकी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। उनके भीतर पनप रही ऐसी आकांक्षाएं और अनैतिक कुंठाएं उन्हें एक नकारात्मक रास्ते पर ले जाती हैं और आगे चलकर वे अपने परिवार, स्वयं अपने और समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। व्यक्ति के भीतर काम वासना और शारीरिक संबंधों के प्रति उनकी अत्यधिक रुचि समाज की नजरों में तो गलत है ही, लेकिन धार्मिक दृष्टि से भी इंसान के भीतर पनप रहा ऐसा लस्ट उसे अंधकार की खाई में लेकर चला जाता है। यह बात तो आप जानते ही हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में जीवन के हर भाग और इंसान की हर जरूरत को विस्तृत तरीके से परिभाषित किया गया है। इंसान की मौलिक जरूरतों का स्वरूप और उसकी उपयोगिता को भी व्यवस्थित तरीके से पिरोया गया है। यानी अगर हम धार्मिक ग्रंथों को खंगालें तो हमें हर बात का उत्तर मिल सकता है, चाहे वो किसी भी विषय से रिलेटेड हो, आपको हर बात का तर्क सहित उत्तर मिल जाएगा। लेकिन शायद आप इस बात से अनजान हो कि इंसान के खान पान, रहन सहन, पारिवारिक और नैतिक जिम्मेदारियों के अलावा उसके जीवन में सेक्स या शारीरिक संबंधों की उपयोगिता को भी हमारे धर्म ग्रंथों में नियम और कायदों के अनुसार बांटा गया है। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से सेक्स एक पूर्णता निषेध शब्द है जिसे सार्वजनिक जीवन में उल्लेख करना भी पाप समझा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म समेत अन्य कई प्रमुख ग्रंथों में सेक्स और लस्ट को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शारीरिक इच्छाओं के विकराल स्वरूप जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में ए लस्ट कह सकते हैं को अपनी अपनी मान्यता के अनुसार परिभाषित कर यह बताया गया है कि लस्ट की राह पर चलने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति काम वासना जैसी भावना रखता है तो उसके साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। देखिए, सभी धर्म अपने अपने आधार पर काम वासना के बारे में अलग प्रकार से उल्लेख करते हैं। बौद्ध धर्म में लस्ट को जीवन और खुशियों की राह का सबसे बड़ा बाधक बताया गया है। इतना ही नहीं, इस तरह की काम वासना को सबसे बड़े अपराध की संज्ञा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो इंसान अपने जीवन में कामुकता को जगा देता है उसे पूरी उम्र मानसिक और शारीरिक पीड़ा को झेलना पड़ता है। कैथोलिक धर्म यानी ईसाई धर्म के अनुसार विवाहित जीवन से अलग किसी अन्य व्यक्ति के प्रति काम वासना रखना एक अपराध है। यह विवाह से जुड़े सभी नियमों को ताक पर रख देता है। इसके अलावा कैथोलिक धर्म गुरुओं के अनुसार अनियंत्रित शारीरिक इच्छाओं को लस्ट के दायरे में रखा जा सकता है, जो किसी भी इंसान के जीवन के लिए घातक साबित हो सकती है। देखिए, हिंदू धर्म में भी इसका बखूबी वर्णन किया गया है। गीता का उपदेश देते समय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने कहा था कि काम वासना में लिप्त इंसान स्वयं अपने लिए नर्क के द्वार खोल देता है। शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बना लेने वाला इंसान जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता और अपना सर्वनाश अपने हाथ से ही कर लेता है। इस्लाम धर्म में किसी भी प्रकार की कामोत्तेजक गतिविधियां निषेध हैं। इतना ही नहीं, इन गतिविधियों को पसंद भी नहीं किया जाता, क्योंकि आगे चलकर यही बलात्कार जैसे व्यभिचार को जन्म देती है। इस्लाम ब्रह्मचर्य को समर्थन नहीं देता, यह बात आपको जानना होगा, और सेक्स को पूर्णतः विवाह के दायरे में रखता है। सिख धर्म में काम वासना को उन मुख्य 5 आधारभूत अपराधों के बीच रखा गया है जो व्यक्ति को गर्त की खाई में धकेल देते हैं। इन 5 अपराधों में लस्ट के अलावा क्रोध, अहम, लालच और लगाव शामिल है। आप देख ही सकते हैं कि सिख समुदाय के लोग किस प्रकार से समाज सेवा करते हैं, इसीलिए उनमें लालच नाम का शब्द थोड़ा कम होता है। हिंदू धर्म की एक शाखा है जिसे कहते हैं ब्रह्म कुमारी। इसमें कामुकता को नर्क का द्वार बताया गया है, लेकिन साथ ही इसे इंसानियत के ऊपर एक गहरा आघात भी माना गया है। ब्रह्म कुमारी के अनुसार ब्रह्मचर्य जीवन का सफल तरीका है। यानी अगर आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो आप सफल जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा इस शाखा के अनुसार इंसान को प्याज, लहसुन और मांसाहारी खाद्य पदार्थ को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनमें मौजूद सल्फर की मात्रा व्यक्ति के भीतर शारीरिक इच्छाओं को बढ़ावा देती है। कोई भी पर्टिकुलर रीजन हम आपको नहीं दे सकते कि काम वासना अनैतिक है या नैतिक है। अगर हाँ, हम एक दायरे में रहकर बात करते हैं तो इसका एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।